हेलो फ्रेंड्स, फिर से एक नए वीडियो में आपको बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, रिलायंस पावर अगले दिन हम बता दिया था कि आज का मार्केट थोड़ा अपर सर्किट रहने वाला है, तो आप डेफिनेटली यहां पर देख सकते हैं आज का मार्केट उतना तेजी देखने को नहीं मिला है। फिलहाल ये भी हम बता दिया था कि आज का मार्केट उतना तेजी देखने को नहीं मिलेगा, तो आज का मार्केट वैसा ही हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं आज का प्रॉफिट जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं, और तेजी आप यहाँ पर देख सकते हैं। तेजी की बात करें तो अच्छा खासा तेजी है। तो यहाँ पर डेफिनेटली आज ये बताने की कोशिश करूंगा कि कल का मार्केट क्या होने वाला है, क्या कल का मार्केट अपर सर्किट जाएगा या फिर डाउन सर्किट जाएगा, क्या कल का मार्केट ओपन के वक्त से ही अपर सर्किट देखने को नजर आएगा या फिर डाउन सर्किट देखने को नजर आएगा, ये सब कुछ लेके थोड़ा एनालाइज करके हम बताने की कोशिश करेंगे। चलिए, पाँच दिन के अगर हम क्लिक करते हैं तो पाँच दिन में आप देख सकते हैं डेफिनेटली यहाँ पर अभी भी पाँच दिन की अगर बात करें तो पाँच दिन में जब मार्केट शुरुआत हुआ था तो यहाँ से लेके यहाँ तक अभी भी मार्केट डाउन पोजीशन में है। ठीक है, अभी भी मार्केट डाउन पोजीशन है, लेकिन कल इसको रिकवर करने का चांसेस बढ़ा हुआ है, कल यहाँ पर रिकवर कर सकता है। ठीक है, अगर हम बात करें इस ग्राफ की तो यहाँ पर देख सकते हैं डेफिनेटली यहाँ पर एक तेजी आपको अच्छा खासा तेजी देखने को मिलेगा। सिर्फ पाँच दिन का बात कर रहा हूँ, यहाँ पर उतना ही ज़्यादा डाउन सर्किट नजर आएगा, यहाँ पर भी डाउन सर्किट नजर आएगा। तो यहाँ पर कुल मिला के बात करें तो यही बताना चाहूँगा, तो यहाँ से लेके यहाँ से अगर दो दिन या फिर एक दिन आप धर लो, आपने देखा होगा पिछले दो दिन तीन दिन से मार्केट डाउन था। उससे पहले भी आपने देखा होगा जब प्राइस था आर पावर का 14, ठीक है, 14 के आसपास था तो मार्केट फिर से डाउन गया था। ओके, तो यहाँ पर डेफिनेटली ये आप सोच समझ सकते हो कि दो तीन दिन जब मार्केट डाउन जाता है तो डेफिनेटली अपर सर्किट जाने का चांसेस बढ़ जाता है। ठीक है, फिलहाल तो अपडेट की कोई बात नहीं है, अपडेट नहीं आया है, जब भी अपडेट आता है तो आपको सबसे पहले इस चैनल में दिया जाएगा। अब देखिए, फिलहाल इस दिन की बात करते हैं, दो दिन पहले मार्केट डाउन था और आज का मार्केट क्या हुआ, आज का मार्केट अपर सर्किट में है। ठीक है, तो दो दिन मार्केट डाउन के वजह से काफ़ी परेशान था लोग कि मार्केट फिर से डाउन सर्किट जाएगा या फिर नहीं जाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग ये भी कहता है कह रहा है कि जो दिवाली है, दिवाली के टाइम पे अच्छा खासा टारगेट यहाँ पर दिखाई सकता है। कोई कोई तो बोल रहा है 25 प्लस हो सकता है, कोई कोई बोल रहा है 25 से भी ज़्यादा 30 या फिर 40 रुपीस हो सकता है। तो आपको क्या लगता है, इतना हो सकता है? तो हम ये डेफिनेटली आपको ये बता सकते हैं कि दिवाली के अभी देरी है, 4 तारीख के दिवाली है। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये बता सकते हैं दिवाली से पहले आपको अच्छा खासा टारगेट यहाँ पर देखने को मिलेगा, मीडियम तो देखना के मिलेगा ही मिलेगा, मतलब कुल मिलाकर हम ये कहें कि 20 प्लस हो सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं कहेंगे 25-30 ऐसा नहीं कहेंगे, लेकिन इतना अंदाज़ा हो रहा है कि 20 प्लस हो सकता है, 20 प्लस। ठीक है, दिवाली से पहले। और चलिए आप बात कर लेते हैं कल का मार्केट क्या रहने वाला है, कल का मार्केट डाउन जाएगा या फिर अपर सर्किट रहेगा। दोस्तों, कल का मार्केट ओपन के वक्त से ही अपर सर्किट नज़र आ जाएगा, चांसेस बहुत ही ज़्यादा है। मार्केट ओपन के वक्त से ही जब ओपन होगा तो देखिएगा इंक्रेज पॉइंट में ओपन होगा, तो ये चांसेस बहुत ही ज़्यादा है। आप देख सकते, देखिएगा कल मार्केट ओपन होगा 9:07 में मार्केट ओपन होगा, तो आप देख लीजिएगा। यानी कुल मिला के ये कह सकते हैं कि कल का मार्केट थोड़ा अपर सर्किट जा सकता है। ठीक है, कल का मार्केट अपर सर्किट में चांसेस ज़्यादा है। अब कल हम एक वीडियो में आपको बताएंगे भी, कल जब मार्केट ओपन होगा तो कल वीडियो देख लीजिएगा, ज़रूर देखिएगा। और आज का ये जो हमने बोला है कि कल का मार्केट ओपन होते ही आपको अच्छा खासा एक तेजी देखने को मिल सकता है, इसका चांसेस ज़्यादा है। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बता सकते हैं।